अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसडीएम न्यूज़ बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस एंड टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हाट इज़ इट? ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन एनिमल्स। तो हम अगर सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो हम जो भी खाना खाते हैं और वो जो हमारी बॉडी में जाकर जो ब्लड बनता है और ब्लड जो वेंस के थ्रू नसों के द्वारा जो हमारे बॉडी में घूमता है, जिससे कि हमारा जो ये शरीर है ये एक मशीन है, तो ये जो मशीन काम करता है तो ये पूरे सिस्टम को जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो ये हम एनिमल्स में, ह्यूमंस में और प्लांट्स में देखेंगे। इंट्रोडक्शन। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। जो भी इंसान है, जो भी एनिमल्स है, जो भी है, हर एक को खाना, पानी और ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल यानी कि ज़िंदा रहने के लिए। इसके बिना मैं और तुम कोई ज़िंदा नहीं रह सकते। ये हमारी एक नीड है जो नेचुरली बनाई गई है। एक गाड़ी है, अगर एक स्कूटर है, एक बाइक है, अगर उसे चलना है पहले तो वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अगर उसके अंदर पेट्रोल है तभी वो चलेगा। अगर पेट्रोल नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं चलने वाले। एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टराइज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन इन ब्लू। तो ये पूरा एक्चुअली जो है ये पूरा सिस्टम है कि अगर आपको समझना है तो वो इतना ही है कि जो हम फूड और वाटर जो हम इनटेक करते हैं, जो हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, और उससे जो हमारे नसों के द्वारा सारे बॉडी पार्ट जो वर्क करते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेन है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। सर्कुलेटरी सिस्टम इन द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेन हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो जो हम आगे देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो ये जो सिस्टम है उसको चलने के लिए हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, दिल चाहिए, खून चाहिए और खून को पहुंचाने वाली नसें चाहिए। हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। ब्लड इज़ अ लिक्विड विच ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स एंड ब्लड वेसल्स इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स विच कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी। द लिक्विड है जिसको, जैसा कि पानी है, म्यूनसिपैलिटी का पानी हमारे घर तक कैसे आता है? नल में ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, टंकी में से, बीच में पाइपलाइन होती है ना। इसी तरह जो है हार्ट है और ब्लड है, ये दोनों को काम करने के लिए हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। पंप करने यानी कि पूरा ब्लड जो है वो हार्ट हमारा सफाई करता रहता है, ब्लड की सफाई करता रहता है, और सारे हिस्सों में नसों के द्वारा वो क्लियर जो खून है वो पहुंचाया जाता है। अगर जिस हिस्से की नस बंद होती है जिसमें खून नहीं पहुंचता तो फिर वो हिस्सा धीरे धीरे जो है काम करना बंद कर देता है, या फिर जो है हमें फिर बड़ी बड़ी जो है बीमारियाँ या फिर पैरालाइज या जो भी है वो पता चलता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर द ऑर्गन्स टू वर्क इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी हमने खाया है, जो भी पिया है, जो ऑक्सीजन लिया है, वो सारे बॉडी पार्ट्स को पहुँचना ही चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जैसा कि हमने एक गाड़ी है, जैसा कि स्कूटर का ही एग्जांपल दूँ, तो हमने उसके अंदर पेट्रोल डाला और पेट्रोल चल रहा है, लेकिन सिर्फ चल नहीं रहा है, वो फिर स्मोक भी निकालता है, यानी कि वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह से हम जो खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, जिस जो कि हमारा एक फ्यूल है, उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, थ्रू दैट वी गो टू टॉयलेट्स, वी हैव गॉट स्वेट्स, ठीक है, हमें पसीना होता है, ठीक है, तो वी गॉट डर्ट, जिससे हम नहाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी इज डन बाई द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ये इसी से काम करता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड अच्छे से, सॉरी, हार्ट अच्छे से काम करता होना चाहिए, ब्लड क्लीन होना चाहिए, और ब्लड वेसल्स जो है वो क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि ब्लड जो है पास हो सके। नाउ वी विल सी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस तरह के प्लांट जो है जिसे हम ज़मीन में
जिसका रूट जो होता है, जो मोड हम जो ज़मीन में डालते हैं, ठीक है, बीज, फिर उससे जो है ज़मीन की पार्टिकल से उसको जो है सारा जो भी इसको न्यूट्रिएंट्स लेना है वो सॉइल से लेता है, फिर हम उसे पानी देते हैं और फिर उसे सनलाइट मिलता है जिससे कि वो बीज ग्रो करता है, उसका विकास होता है और फिर धीरे धीरे उसकी स्टेम बनती है, डाली बनती है, फिर उससे पत्ते बनते हैं और फिर फल फ्रूट आता है, ठीक है, फ्लावर भी उगते हैं, ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो इनके अंदर जो पार्ट्स है वो हम देखेंगे, वाटर एंड मिनरल सॉल्स मूव अप थ्रू द वाटर कैरिंग ट्यूब्स, लीव्स मेक फूड, फूड मूव्स थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द फूड कैरिंग ट्यूब्स एंड डाउनवर्ड्स यू विल सी वाटर एंड मिनरल सॉल्स आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स। तो हालांकि ये जो फर्स्ट स्टेप है जो एकदम नीचे वाला है ना, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स, रूट्स के द्वारा जो है ये मिनरल्स और ये सारा जो है लेता है, जैसा कि अगर हम हमारी बॉडी में देखें तो हम जो खाते पीते हैं उससे फिर जो है काम शुरू होता है, इस तरह से इनका ज़मीन के द्वारा, रूट के द्वारा जो है पूरा शुरू होता है, ठीक है, और उससे फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, स्टेम में, लीव्स के अंदर, फ्लावर्स में, फ्रूट में, ठीक है, इस तरह से इनका काम चलता है। तो इनके जो ऑर्गन्स है वो आएंगे साइलम एंड फ्लोएम। साइलम इज़ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटीरियल्स। तो साइलम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ प्लांट्स है जो कि वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार है, और फ्लोएम जो है वो एक लिविंग टिश्यू है जो कि फूड और जो है दूसरा सब पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो ग्रीन पार्ट्स की तरफ से, यानी कि जो सनलाइट का इस्तेमाल करके जो चीज़ बनाई जाती है, जो चीज़ उसने प्राप्त किया है सनलाइट की तरफ से, वो जो है वो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वी विल सी इन दिस फोटो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ थिन ट्यूब कॉल्ड वास्क्यूलर टिश्यूज इन द रूट्स स्टेम एंड लीव्स। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, साइलम कैरी वाटर एंड डिसॉल्व्स मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड इन द रूट्स अप टू स्टेम एंड टू द लीव्स, एंड फ्लोएम इज कैरी ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो अगर इसको और आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो ज़मीन के द्वारा जो भी अब्सॉर्ब किया जाता है वो सारा साइलम के द्वारा सब में पहुँचाया जाता है, और धूप की मदद से जो भी प्राप्त किया जाता है वो सारी एनर्जी फ्लोएम के द्वारा पहुंचाई जाती है। सो हियर आर टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ओवर। आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया फॉर इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।